Jai student, welcome to biology class, class 10th. So students, you know, we are discussing the chapter control and coordination. So as you all know, control and coordination in human beings take place through two types of systems that we have already discussed. That was a nervous system and endocrine system. So in the last lectures we have discussed, we have covered all the things related to nervous system, the different top. पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम दैट इज एंड्राइम सिस्टम ओके सो एंडोक्राइम सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो बिकॉज यहाँ पे जो रोल है वो ग्लैंड का है बिकॉज एंडोक्राइम सिस्टम जो है वो वर्क करता है एंडोक्राइम ग्लैंडस की हेल्प से सो so, फर्स्ट है कि ग्लैंड्स क्या होती हैं ओके सो ग्लैंड जो हैं ग्लैंड इज़ अ स्ट्रक्चर दैट सिक्रीट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी ये एक तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं सिक्रीटरी इनका फंक्शन होता है और ग्लैंड जो हैं दे आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज ये टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यू से मिलके ये ग्लैंड बनते हैं और ह्यूमन बॉडी में दो तरह की ग्लैंड होती हैं वन इज योर एंडोक्राइम ग्लैंड एंड द अदर इज़ योर एक्जोक्राइम ग्लैंड here we will purely study about endocrine gland but you just have a knowledge of exocrine gland also because it is a part of glands only to aapko pata hona chahiye ki do glands kaun si hoti hain so दो तरह की glands होती हैं exocrine and endocrine glands jo uh, as the name suggest जो exocrine glands होती हैं द ग्लैंड विच सिक्रीट प्रोडक्ट्स इन टू द डक इनमें ट्यूब होती है एक डकट प्रेजेंट होती है जिसमें कि जो भी वो सिक्रीट करती हैं वो सिक्रीशन उस डक्ट के थ्रू सारे ऑर्गन्स में जाता है जिस ऑर्गन में भी जाना है फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है सलाइवा एंड दिस सिलाइवा जो है वो डक्ट के थ्रू जाता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी डक्ट ओके सो देयरफॉर जो सेलेवरी ग्लैंड होगी वो कौन सी ग्लैंड होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसी ग्लैंड्स होती हैं दे आर द ग्लैंड्स विच हैव डक्ट ओके नाउ नेक्स्ट टाइप इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिससे जो कि हमको पढ़ना है सो दीज ग्लैंड्स डज नॉट हैव अ डक्ट सो अ ग्लैंड विच डज नॉट हैव अ डक्ट आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स अब इनके पास डक्ट नहीं है तो ये कैसे अपना प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ uh, uh, करेंगी ऑर्गन्स में तो ये क्या करती हैं इनके पास डक तो होता नहीं है तो जो भी वो सिक्रीट करती हैं प्रोडक्ट दैट इज़ डायरेक्टली पोर्ड इन टू द ब्लड स्ट्रीम वो डायरेक्टली ब्लड में पोर कर दिया जाता है और ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुँच जाता है सो दिस इज़ द एंडोक्राइम ग्लैंडस एंडोक्राइम ग्लैंडस को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है बिकॉज दे डोंट हैव एनी डक्ट ओके ना इन इन ह्यूमन बॉडी हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड होती हैं जो कि दोनों ही तरीके से एक्ट uh, करती हैं ठीक है मीन्स वो एक्जोक्राइम फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं एंडोक्राइम भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन पूछा जाता भी है कि कौन कौन सी ग्लैंड हैं सो जैसे पैनक्रियाज टेस्टिस ओवरी ये ऐसी ग्लैंड हैं जिनको मिक्सड ग्लैंड भी कहा जाता है वाई बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ एग्जोक्राइम ऑल्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल पेनक्रियाज की बात करें पेनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कब एक्ट करेगी जब वो हारमोन सिक्रिएट करेगी इंसुलिन हारमोन ओके और एग्जोक्राइम ग्लैंड की तरह कब एक्ट करती है जब वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है ठीक है जिसके जिसमें क्या होते हैं डाइजेस्टिव इन्जाइम्स होते हैं ओके सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स ग्लैंड नेक्स्ट टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है और वो क्या सिक्रियट करती है हार्मोन टेस्टस्टेरॉन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो वो क्या करती है स्पर्म्स रिलीज करती है मेल सेक्स सेल्स रिलीज करती है इनटू द डक्ट सेमिनरी फेरल सेमनी फेरिस डक्ट होती हैं ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसके थ्रू स्पर्म्स जो है वो रिलीज होता है तो दोनों ही फंक्शंस हो गए ओवरी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे एक्ट करेगी जब हार्मोन सिक्रीट करेगी एस्ट्रोजन और प्रोजिस्टर एंड एग्जोक्राइम की तरह कब गल, एक्ट करेगी जब वो रिलीज़ करेगी एग और ओवा इनटू द डक्ट ठीक है फेलोपियन ट्यूब में वो जब रिलीज़ करेगी सो दीज आर द एग्जाम्पल इनको मिक्स क्लैंड कहा जाता है ओके सो नाउ बट वी आर मोर कंसर्न अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज वी हैव टू स्टडी अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हार्मोनल सिस्टम भी इसको बोलते हैं सो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं दे आर कंपोज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स अ डक्टलेस ग्लैंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रिएट इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम

उसके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में ओके सो नर्वस डू नॉट रिएक्ट टू एवरी नॉक और कॉर्नर ऑफ द बॉडी हैंज हार्मोन्स आर नीडेड टू अफेक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन दोज पार्ट्स ठीक है सो जो ये ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हर जगह नहीं रिक्वायर्ड होते हैं इसीलिए ये हार्मोन्स जो हैं ये कुछ ही पार्ट्स से सिक्रीट होते हैं अब हार्मोन होता क्या है अगर हार्मोन डिफाइन करने को आए सो हार्मोन्स जो हैं दे आर द केमिकल मैसेंजर्स दे आर द प्रोटीन मैसेंजर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हार्मोन्स जो हैं ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते हैं और जहाँ भी इनको इफ़ेक्ट क्रिएट करना है प्रोड्यूस करना है ये उस ऑर्गन में जाके वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए इनको मैसेंजर्स कहा गया है ओके जैसे इंसुलिन हार्मोन है वो पैनक्रियाटिक आप जो आपका पैनक्राइटिक जूस सॉरी जो पैनक्रियाज होता है उसमें इंसुलिन हार्मोन होता है क्योंकि वो इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करता है जब इंसुलिन बढ़ जाता है तो उसको वो नॉर्मल लाता है ओके बिकॉज़ इट मे कॉज अ डिज़ीज़ अगर कंट्रोल नहीं होगा तो इट मे कॉज अ डिजीज़ नोन एज डायबिटीज़ सो इंसुलिन का इफेक्ट जो है एक पर्टिकुलर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और पर्टिकुलर ऑर्गन में इसलिए सारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो हार्मोन सिक्रीट नहीं करते हैं. कौन कौन से सिक्रीट करते हैं देट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओके ये एक फिगर है जिसमें डिफरेंट टाइप्स आपको डिफरेंट ग्लैंड्स दिखाई गई हैं ओके बिकॉज दे दे आर सिक्रिएटिंग हारमोन तो इनको हम ग्लैंड ही बोलेंगे और ये जो ग्लैंड हैं यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंडस देख रहे हैं ये एक ह्यूमन बॉडी का फिगर है जिसमें जो डिफरेंट ग्लैंड हैं जो different, different okay? so कि डिफरेंट डिफरेंट हारमोन सिक्रिएट करेंगी ओके सो हेयर यू कैन मेक आउट द पोजिशन कि कहाँ कहाँ कौन, कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है लाइक पीनियल ग्लैंड ठीक है जो कि एक हारमोन सिक्रिएट करेगी मिलाटोनिन फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ओके okay, वो जो कि जो कि कंट्रोल करती है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूट्री ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करती पिट्यूट्री ग्लैंड है जिसको पिट्यूट्री ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्लैंड कहा गया है क्योंकि ये सारे जो और ऑर्गन्स हैं उनके जो भी ग्लैंड हैं उनके सिक्रियशन को कंट्रोल करती है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पिट्यूट्री इज नोन एज मास्टर ग्लैंड फिर इसके नीचे आएंगे थारॉइड जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रिएट करेगी पैराथायरॉइड ग्लैंड जो कि पैरेथ हारमोन से करेगी देन थाइमस जो कि थाइमोसिन हारमोन से करेगी पैनक्रियास इंसुलिन एंड ग्लूकागोन दो हार्मोन सी करती है एड्रीलन गैंड एड्रीन हार्मोन सिक्रिएट करती है जिसको फाइट एंड फ्राइट हार्मोन भी बोलते हैं या स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है इमरजेंसी सिचुएशन में ही सिक्रिएट होता है जब कभी डेंजर है या एक्साइटमेंट है या एंगर है या हैपीनेस है अचानक से जो कोई चीज़ होती है ओके okay, फिर आता है ओवरी जो कि आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रिएट करेगी एंड लास्टली टेस्टिस जो कि एंड कि एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करेगी सो दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ अकाउंट अबाउट द डिफरेंट ग्लैंड विच विल सिक्रीट डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिज ग्लैंड एंड द हार्मोनज विच दे सिक्रीट एंड ऑल्सो द फंक्शंस ऑफ द हार्मोन। सो थैंक यू एवरीबडी